काल के इस आपत्तिजनक समय पे तरस लोगों में त्राही त्राही मची है। बीमारों को ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से जगह पे कई मरीज दम तोड़ रहे हैं, जिसके चलते शहर में मौत का तांडव मचा हुआ है। उसी को देखते हुए नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने महापौर दयाशंकर तिवारी से कहा कि शहर में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत को जल्द से जल्द निवारण किया जाए। रमजान की 30 दिन मुस्लिम समाज के सभी लोग रोजा रखते हैं। रोजा 14-15 घंटे रहता है, जिसके दौरान कुछ खा पी नहीं सकते। वह किसी प्रकार का कोई लसीकरण नहीं ले सकते। शाम में इफ्तार करने के बाद, रोजा तोड़ने के बाद वैक्सीनेशन केंद्र शाम में 2 घंटे 7 से 9 के लिए शुरू करवाए। वह लसीकरण केंद्र में वैक्सीन की कमी से कहीं केंद्र बंद पड़े हैं, उन्हें शुरू कराए, वो वैक्सीन की कमी पूरी करे। इस पर महापौर ने आश्वासन देते हुए कहा कि शहर में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट के काम चालू है, वैक्सीन की कमी भी जल्द पूर्ति की जाएगी। वह शाम में महल का लसीकरण रन केंद्र चालू है, जल्द ही चर्चा कर और 2-3 जगह शाम में भी लसीकरण केंद्र चालू करवाए जाएंगे। इस मौके पर वसीम खान के साथ मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, कांग्रेस कमेटी महासचिव धर्म पाटिल, फिरोज खान, विजय साखरी, जिशान व आदि उपस्थित थे। निवेदन है, हमने नागपुर महानगर पालिका के महापौर श्री दयाशंकर तिवारी जी को दिया। जैसे कि रमज़ान में लसीकरण नहीं ले सकते, मुस्लिम समाज में रमज़ान का एक बड़ा महत्व है, तो ये 30 दिन के जो रोज़े रखे जाते हैं, तो रोज़े के चलते लसीकरण नहीं ले सकते हैं। तो हमने दयाशंकर जी महापौर साहब को ये निवेदन दिया है कि आप जो इफ्तार के बाद का 6:30 बजे से 8 बजे तक का समय, एक 1.5 घंटे का 2 घंटे का लसीकरण केंद्र चालू रखें। तो महापौर साहब ने हमको बताया कि महल का एक लसीकरण केंद्र चालू है। हमने गंजीपेड़ व मोमिनपुरे का उसको निवेदन दिया है, वो बोले मैं इसमें बात चर्चा कर कर चालू करता हूँ। और दूसरी हमारा जो था, जो ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है नागपुर शहर में, इसको लेकर था, तो उसके बारे में भी हमने बताया कि प्लांट का काम चालू है हर जगह और धीरे धीरे इसका भी कम होगा। और तीसरा ये था कि वैक्सीनेशन जो केंद्र 181 थे, उसमें से 21 केंद्रों में अभी वैक्सीन उपलब्ध है, और बाकी के जो 160-140 है, जिसमें से 21 तो लसीकरण केंद्र बंद हो गए। इधर बड़ी किल्लत आ रही है वैक्सीनेशन की, और ये वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। BCN न्यूज़ के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।